केमिस्ट्री और मैथ के पोर्टोबी से बात नहीं कर रहा, ओनली फिजिक्स के पोर्टोबी से। अरे वाह क्या बात है, कन्याएं वरियाज हरी हरी हाट भेज रही हैं, बोलियो बहुत दिनों से तुम्हारी तारीफ नहीं करी मैंने। वो क्या था, बहुत दिनों से हम लोगों ने क्या बात है कन्याओं को परेशान नहीं किया है ना। अच्छा हो मैंने छेड़ा वर्ड यूज नहीं किया पिछली बार एक बार बोल दिया था तो भाई साहब फिर तो पता नहीं कहाँ से वो वीडियो मेरे पास घूम घूम के आई थी। बोले सर आपने ऐसा, मैं सोचा मैंने कब बोला यार ऐसा है, बहुत दिनों से कन्याओं को नहीं छेड़ा मैंने, ऐसा कब बोला मैंने, किस बैच में बोला था यार, सबूत तो था साफ साफ बोला तो है लेकिन किस बैच में पता ही आज तक मुझे याद नहीं आया कब बोला किस मोमेंट में बोला। तुम बुरा मत माना करो ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया, अब मैं इन 78% बच्चों से बोलूंगा कि बेटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लास को पकड़ के साथ साथ चलो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो, प्योरली जेई एडवांस जा रहे हो, जेई एडवांस के जब मैं आपके पीवाईक्यू देखना दूंगा तो मैंने तो 70% का प्रॉमिस किया था आपको, लेकिन देखना आप 90% तक जो जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है वो 90% तक आप में से काफी बच्चे करके ले जाएंगे, समझ मारी बात। और एक चीज और आपको बता दूं मैं, कुछ दिनों के बाद जी एडवांस का पेपर है, आप चाहो तो देख लीजिएगा मेरे भाई, सिलेक्शन मात्र 40% में हो जाता है और आपकी मन पसंदीदा आईआईटी आपको 40% पे मिल जाती है, ब्रांच ऊपर नीचे हो सकती है, समझ मारी बात। सिलेक्शन 35% पे भी हो जाता है, कोई ना कोई आईआईटी तो आपको 35% पे भी मिल जाएगी, आईआईटी का टेक तो 35% पर भी मिल जाएगा, 50% पे आपकी धांसू रैंक आ जाएगी और 60% अगर आपने कर लिया तो आप सॉरी डबल डिजिट या 200-300 रैंक के आसपास तक आप फाइट मार सकते हो, समझ मारी बात। और मैं आपको यहाँ पे क्लास में मैं आपको उस लेवल तक जरूर ले जाऊंगा जहां आप पीवाईक्यू तेरे सामने है 70% बहुत आराम से कर पाओगे ठीक है, और उसके ऊपर जा सकते हो, स्काई इज द लिमिट, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना ऊपर जाओगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे आप उतने ऊपर जाओगे और जितने ज्यादा ज्यादा सवाल ट्राई करोगे उतने ऊपर जाओगे। अब बात आती है सर ये 20% को लेके, इस 20% 22% में 5% स्पैमर निकाल दो ठीक है, बचे 16%। मैं उन 16% को एक बात बोलूंगा बेटा सीरियसली, तुम बहुत दिनों से ना मेरे दिल पे छाए, मेरे दिल और दिमाग पर छाए हुए हो ये जो 20-22% बच्चे हैं ठीक है, मैं आपसे यही बात बोलूंगा प्लीज जेई मेंस ओरिएंटेड हो जाना ठीक है। मैं आप सबसे एक बात बोलूंगा कि आप सारे जो 20% है प्लीज प्लीज, एक मास्टर रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे करनी नहीं चाहिए लेकिन हाँ मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, ये बात आपको एक साल के बाद जाके रियलाइज हो, उससे बढ़िया मैं आपको अभी बता रहा हूं, प्लीज आप सारे लोग जेई मेंस ओरिएंटेड हो जाइएगा जो यहां पर 20% है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, नहीं आप प्योरली जेई मेंस हो जाओ, सबसे पहले अपने जेई मेंस के जो पीवाईक्यू है वो 2-3 बार लगा लो, जब आप वो सवाल देखोगे ना जेई मेंस के तो आपको दिखेगा भाई यार ये तो बड़े चोमू सवाल आ रहे हैं भाई है? सिंपल सिंपल फॉर्मुला पे सवाल आ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है कुछ सवालों में ना, तो वो तुम 100 के 100 सवाल कर सकते हो, तुम 100 में से अगर 70-80 भी कर पा रहे हो तो भी तुम एक बहुत धांसू परसेंटाइल की तरफ जा रहे हो, आप इस बात को समझो ठीक। जेई मेंस में इस क्लास का अटेंड करने वाला बच्चा वो जेई मेंस के सारे में सारे सवाल कर लेगा, मुझे भरोसा है पूरा ठीक, 90% ऊपर तो कर ही लेगा, मैं पीवाईक्यू दे रहा हूं तुझे और कुछ दिन के बाद मैं सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू एक साथ देने वाला हूं तुझे, मैं प्रिंट करा रहा हूं ठीक है, जितने जेई मेंस के पीवाईक्यू आए वो सारे प्रिंट फॉर्म में मैं तुझे दे दूंगा और जेई एडवांस का भी दे दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं मेरे पढ़ने से कितने सवाल आप बना पा रहे हो वो सारी चीजें वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। तो जब आप वो जेई मेंस के पीवाईक्यू देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर 100 में से 90 तो हम कर ही लेंगे, तो आप वो टारगेट बनाओ, क्योंकि जनवरी में आपको सबसे पहले जेई मेंस देना है, ये मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा, इन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, पहले आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो ठीक है, आप उस स्टेज तक पहुंचाओ कि 90 में से 80 तक तो करके ले आओ, 75 तो कर लो मेरे भाई, अगर तुमने फिजिक्स में 75 मार्क्स आप लेके आ गए ठीक है, 70 भी लेके आ गए मान ले, चल 75 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर तुम फिजिक्स में 70 भी लेके आ गए और केमिस्ट्री में भी 70 खींच दिया और मैथ्स में तूने 40 भी खींच दिया और मारी बात, तो तेरे 180-190 के आसपास चले गए, दैट मींस तू बढ़िया से 99% के आसपास आ जाएगा, इसका मतलब तेरी एनआईटी में सीट तो पक्की हो गई, फिर तू फाइट मारना जी एडवांस के लिए, तेरे पास पूरा भरपूर टाइम मिलेगा जनवरी के बाद ठीक। और ये बच्चे अगर ये सोचेंगे कि नहीं मुझे तो टफ सवाल करने, मुझे तो ऐसे सवाल करने जो एक घंटे में, जो एक सवाल को करने में आधा घंटा लग जाए, पास ऑन मारिए, एक सवाल को करने में 20-25 मिनट तक लगे पड़े, तो ना 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 ना, वहां तुम गड़बड़ कर दोगे, आपको वो सवाल करने कि आधे घंटे में आप 15 सवाल लगा पाओ, एक घंटे में आप 30 सवाल लगा पाओ, आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करो और ये बच्चे बिल्कुल ओरिएंटेड होकर चले। तो ये जो बच्चे 22% है ये चाहे तो वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो क्लास में हम हाई फाई लेवल तक चले जाते हैं, आप प्लीज छोड़ देना ठीक है। मैं बता दिया करूंगा आपको, जितने भी सवाल हमने किए ना लंबी लंबी इंटीग्रेशन वाले, रिंग की वजह से वो निकाल रहे हैं, हिंज फोर्स निकाल रहे हैं, केपीपी के सवाल जितने थे ठीक, जितने भी केपीपी के सवाल मैंने आपको दिए हैं, बात समझ में आ रही है, वो सवाल आप छोड़ सकते हो, जेई एडवांस की लंबी लंबी कैलकुलेशंस वाले सवाल सारे छोड़ सकते हो, जेई एडवांस के बस थ्योरेटिकल सवाल कर लीजिएगा, क्योंकि उससे अगर मैथ सवाल कोई आ जाता है तो, ये मैं ये बात बोल रहा हूं बेटा इन बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये भी मेरे अपने, मुझे दिख रहा है कि ये अगर गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी रैंक 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख रैंक जाएगी इनकी, मुझे दिख रहा है
लेकिन अभी अगर सही डायरेक्शन पकड़ ली तो हो सकता है ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास पहुंच जाए। समझ में आ गई बात। मैं एनआईटी त्रिची में था, मेरा एक दोस्त था, बिलीव मी, उसने ओनली जेई मेंस की प्रिपरेशन की थी, ठीक है। वो कह रहा था कि मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, और वो 3,600 रैंक लेके आया था, 3,800 रैंक लेके आया था, ठीक है। बेसिकली आप समझो, उसने वो बताओ इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसे अगर अगर उसे अगर आप क्वेश्चन दोगे ना, 100 सवाल दोगे ना 3 घंटे में, तो पागलों की तरह से टूट पड़ता था वो। वो उसी के जैसे 2020 का एक प्लेयर है, उसको बोला जाए कि वनडे मैच में खेलो, एक होता है जो सब जगह फिट होता है, ठीक है, जैसा कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, 2020 खिलवा लो या फिर वनडे खिलवा लो या टेस्ट खिलवा लो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ओनली फॉर 2020 होते हैं, ठीक है। तो जेई मेंस इज लाइक 2020, ठीक। और आपका जो जेई एडवांस है, इट इज मिड बिटवीन ओडीआई एंड द टेस्ट मैच। तो प्लीज मैं इन बच्चों को बोलूंगा कि ये बच्चे किसी की बातों में ना आए, बस जेई मेंस का लेवल अपना पहले अचीव करें, उसके बाद अपना लेवल बढ़ाएं। क्लास में तुझे पूरा कॉन्टेंट मिलेगा। तो कोई एडवांस का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, तेरी कम समझ में आ रहा है, तो पैनिक मत होना, परेशान मत होना, गिव अप मत करना। तो ये समझ जाना कि हम इस लेवल तक जा रहे हैं, जेई एडवांस इस लेवल तक रहेगा तो हम इस लेवल तक जाएंगे, ये तूने देख भी लिया होगा अब तक। तो जेई मेंस तो यही पूछेगा, यही यही। तो तेरा यहां क्लास में मौजूद रहना ही, क्लास में मेंटेन रहना ही तेरा विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। समझ मारी बात, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी आप सबके लिए। अब तू कहेगा सर कौन से सवाल सर जेई मेंस के, जैसे मैं आज के जैसे सपोज मैं ये सवाल करा रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, ये जेई एडवांस का है। मैं कह दूं भाई इसका सिग्मा जो है, एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा कह दूं, मैं कहा भाई इसका सिग्मा सपोज मैं कह दूं भाई साहब 5 सिग्मा है, ठीक, और अंदर वाले का सिग्मा मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए -2 सिग्मा है, ये ले। याद है ना सवाल किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो मैं यहां पोटेंशियल पूछ लूंगा आपसे। तो ये सवाल जेई एडवांस का हो गया। अब मैं इस पर जितना खेलूंगा, जैसे कल की क्लास में खेला था कि भाई यहां का पोटेंशियल बता दो, तूने यहां का पोटेंशियल बता दिया, फिर मैं कह दूंगा बता ये चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहां पे रख दिया तो बता दे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो कहेगा सर जी तो सर इसका क्यू इनटू वी वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। मैं उसको कहा चल लिख के दिखा, ये सारी चीजें फिर आपकी एडवांस की तरफ चली जाएंगी। क्लियर है? ओके, हाँ। मैं बस ये कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक ऐसा बैच दिया गया है जिसमें हर प्रकार का बच्चा है, 20-30% बच्चा है बेचारा गरीब, गरीब मतलब उसको चीजें थोड़ी देर में समझ में आती है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन में भी फाइट है, वो 11 क्लास का बैकलॉग भी लिए बैठा है, ठीक। 30% नहीं है, सच बात बोलूं वो 60-70% है, 70-80%, 70% बच्चा है कायदे में, सच बात तो ये है। तो मेरे लिए तो भैया वो भी मेरी लाइफ का हिस्सा है, और कुछ बच्चे अच्छे हैं 10-20-30% जिन्होंने 11 क्लास खूब मेहनत करी है, खूब उन्होंने सवाल लगाए हैं, जितना मैंने कंटेंट दिया उनमें सब कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने कर रखा है, वो इस टाइम फोड़ाफाड़ी मचा रहे हैं, तो वो भी भैया हमारी क्लास का हिस्सा है। हाँ, मेरा नेचर ऐसा नहीं होता कि मैं केवल अच्छे बच्चों पे ध्यान दूं, केवल टॉपरों पे ध्यान दूं, केवल क्लास के बाद 20-5% बच्चों पे ध्यान दूं, उन्हीं को पढ़ाऊं बाकी बाहर में जाओ, ऐसा मेरा नेचर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मेरे लिए आप सब बराबर हो। कोई बच्चा अगर 6 लाख रैंक लाने की सपोज स्टेज में है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो 6 लाख से किसी प्रकार से वो 30,000-20,000 में आ जाए, और कोई अगर आप में से 10,000 रैंक लाने की स्टेज में है तो मैं कोशिश करूंगा किसी प्रकार से 500 के अंदर आ जाए, ठीक है। ये बात पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, सॉरी आज थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका मैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आ रहा हूं पटना, ठीक है। पिछली बार जब मैं पटना आया था तो मैं मिल नहीं पाया था आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि वो बस स्टेज में ही मिले, स्टेज में ही मुलाकात तो हो ही नहीं पाई यार, आप काफी बच्चों से मेरा मिलने का मन था, ठीक है, तो मैं नहीं मिल पाया था उनसे, चाह के भी नहीं मिल पाया था क्योंकि भीड़ इतनी थी, फिर तुरंत हमारी फ्लाइट थी, हम छोड़ के तुरंत स्टेज छोड़ के फ्लाइट पे जाना पड़ा। तो उस टाइम पे मैंने बच्चों से ही बोला था और मैं खुद से भी एक तरह से प्रण लिया था कि भैया मैं पटना दोबारा वापस आऊंगा, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि कुछ दिन रहूं पटना में ताकि बच्चों से मिल सकूं, आप लोगों से मिल सकूं, ठीक है। तो अभी मैं वैसे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ इस संडे को मैं पटना में पहुंच रहा हूँ, पटना विद्यापीठ, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे दे दूंगा। उसके बाद मैं 2-3-4 दिन रुकूंगा, कोशिश करूंगा वहीं से क्लास ले लूंगा आप लोगों की, क्लास कैंसिल नहीं होगी एक भी, क्लास में वहीं से ले लूंगा आप लोगों की, और वहां के जो आसपास बच्चे हैं मैं उनसे कोशिश करूंगा कि भैया मिले, कोई आप में से जितने भी पटना वाले बच्चे हैं वो कनेक्टेड रहें क्लास में स्पेशली, ठीक है। तो मैं कोई भी अगर रहेगा, मुझे कोई जगह मिल गई ठीक ठाक, मैंने कहा यहाँ मैं बच्चों से मिल सकता हूँ सुकून से आराम से, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से मिलने की, ठीक। मैं इसके लिए पूरा टाइम निकाल के आ रहा हूँ कि भैया तीन चार दिन तो मैंने बोल ही दिया उनको, मैंने कहा 3-4 दिन तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी अंटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी ना जाए, ठीक है बंधु। हाँ, पिछले एक साल से तुम कह रहे थे पटना आओ, तो मैं पटना 1-2 घंटे के लिए नहीं आऊंगा, कोशिश करूंगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कोशिश पूरी रहेगी मेरी, हो सके तो एक वीक में वहीं से ही जो है क्लास लेने की कोशिश करूंगा कि एक वीक में वहीं से ही रहूं, ठीक है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात और क्या थी? बस यार यही बातें थी। 20% वाले बच्चों प्लीज जेई मेंस के सवाल बहुत अच्छे से लगाने हैं आपको, 2-2-3-3 बार जेई मेंस के सवाल लगाने हैं, ठीक है, 2-3 बार जेई मेंस के सवाल लगाओ। आप बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है। अगर कभी भी आपको डाउट हो अपने ऊपर, तुमने एक प्रश्न हो सकता है कि बच्चे ने बोला सर आप कह रहे थे कि जो है, मैसेज भी आया आप लोगों का कि सर आप ये बात कह रहे थे कि जो है क्या बोलते हैं उसको,
कि हमारा जो है सर 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये बात उस दिन कह रहे थे, ठीक है, क्योंकि 1,25,000 बच्चे हैं, 10,000 सीट है, तो सर ये इस ये देख के तो बड़ा डिमोटिवेशन होता है, ठीक है। तो मैं भैया उनको एक मैं कहा पूरी सेंटेंस तो सुन ले तू, -2 सिग्मा, मैं कहा पूरा सेंटेंस तो सुन ले, जिस दिन तू जेईई मेंस का पेपर देने जाएगा अगर तूने सारी क्लास अटेंड करी है, ठीक है, तो 90% कंटेंट तुझे क्लास नोट से मिलेगा, 90% तक, ठीक है। जिस दिन तू जेईई एडवांस का पेपर देने जाएगा, ठीक है, जिस दिन तू जेईई एडवांस का पेपर देने जाएगा, ठीक, 70% मिनिमम, 80 भी जा सकता है, 80 से ऊपर तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तू जानता है कि जी एडवांस का पेपर 1.5 घंटे का तो होता, मतलब 1 घंटे का तो होता ही नहीं, वो तो 2 घंटे का पेपर होता है कायदे में, ये तू भी जानता है इस बात को, ठीक है। लेकिन जो होने वाले सवाल थे, मैं होने वाले सवाल कह रहा हूं, जो हमारी क्लास नोट्स के दम पे आप कर सकते हो, जिस बच्चे ने सारी क्लास अटेंड करी है टिल द लास्ट, उन्हें सारी बातें फॉलो करी है मेरी, सारे जो भी मैंने उसको होमवर्क दिया, उन्हें होमवर्क भी ट्राई किया, सारी क्लासेस भी, वो लास्ट तक टिका अपनी मेहनत करी, 70% तक जेईई एडवांस का पेपर आप क्लास नोट्स के दम पे अटेंड कर लोगे, और उस 70 में से तूने 60 भी कर लिया, तेरी 500 के अंदर रैंक आ जाएगी, 200-300 के अंदर रैंक आ जाएगी, और तूने अगर 50% कर लिया तो 1,000 के आसपास रैंक आ जाएगी, तूने 40% कर लिया तो 3-4 हजार के आसपास रैंक आ जाएगी, तूने 35% के आसपास कर लिया तो 6-7 हजार रैंक तेरी आ जाएगी, तूने अगर 30% कर लिया तो भी तेरा नाम तो आ ही जाएगा आईआईटी में, कहीं ना कहीं 10-12 हजार रैंक के आसपास तेरी आ जाएगी। सोच कहां 35% पे 40% पे तू आईटी पहुंच जाएगा, और क्लास के लेवल के हिसाब से अगर तू जाएगा तो 70% तक मैं तुझे स्लाइड बना दूंगा। अब ये जो गैप है ये तेरी मेहनत से तुझे दूर करना है, मैं तुझे वहीं तक पहुंचा।